परिक्रमा मार्ग स्थित रामानंद आश्रम में गोलोकवासी गोवर्धन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर कृष्णदास कंचन महाराज का 2 दिवसीय विरह महोत्सव संत विद्युत सम्मेलन के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में संत के डोले के साथ अनुयायियों ने गिरिराज जी की सप्तकोशीय अखंड नाम संकीर्तन के साथ परिक्रमा लगाई। गोवर्धन स्थित गिरिराजी परिक्रमा मार्ग में राकेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संत विद्युत सम्मेलन में महाराज जी के स्मरणों को याद किया गया। तो वहीं महंत शंकरलाल चतुर्वेदी ने बताया कि संत कंचन महाराज आसास गुवाहाटी से ब्रजधाम आए थे और गिरिराज जी की तलहटी में भजन साधना की। मेरा नाम पंडित शंकरलाल चतुर्वेदी, रावण आश्रम का महंत। तो बता दो, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, श्री कृष्णदास जी कंचन जी महाराज जो यहाँ के मालिक थे, महंत थे, आज वो धाम पधार गए। तारीख 13 को उसी के उपलक्ष्य में ये साधु समाज का भंडारा, ब्राह्मणों का 7 कोष का भंडारा आज हुआ है। गिरिराजी परिक्रमा भी लगाई है? हाँ, गिरिराज जी की कल रात्रि को गिरिराज जी की परिक्रमा हुई। सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर हवन शांति का कार्यक्रम किया गया महाराज जी का। महाराज जी का यहाँ गिरिराज जी के प्रति बड़ा ही लगाव था, बड़ा ही प्रेम था। 14 वर्ष तक श्री गिरिराज जी में रहकर इस रामानंद आश्रम को पवित्र किया। इसी आश्रम में उन्होंने अपना बाल्यकाल बताया। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, मात्र 51 वर्ष की उम्र में महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। जानकारी के अनुसार वे कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि उन पर भगवान की पूरी कृपा थी। वे भक्तों को ठाकुर जी से साक्षात्कार करवाते थे, हमेशा ही विश्व के कल्याण के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना किया करते थे। दीन दुखियों की सेवा एवं समाज के लिए परोपकार के कार्य वे हमेशा किया करते थे।